Good morning everyone. So today I am back. So today we'll start a new story. You all love story na? So today we'll learn a new story. Are you all ready? So am I. So the name of the story is The Washerman's Donkey. What is the meaning of washerman? जो कपड़े धोता है. And donkey, donkey is which animal? Yes, you can say it is a domestic animal. Donkey क्या करता है? Donkey carries load, बोझा उठाता है. So here you can see a father, a son and a donkey. So this is a story. Once upon a time, a washerman, his son were going with their donkey to the market. एक बार की बात है, एक बार washerman और उसका बेटा साथ में उनका जो donkey है, domestic जो उन्होंने पाल के रखा है, वो कहाँ जा रहे थे? Market जा रहे थे. As they were walking along by his side, a countryman passed them and said, "You fools, what is a donkey for but to ride upon?" So the man put the boy on the donkey and they went on their way. अब क्या होता है, जब वो लोग चल रहे होते हैं रास्ते में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब लोग देखते हैं इनके पास donkey है और फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं, तो वो उनकी तरफ इशारा करके बोलता है, तुम्हारे पास डंकी होते हुए भी. देखो पहले वो पैदल चल रहे थे, फिर जब लोगों ने उनको बोला तो उसके फादर ने उनकी बात मान ली और बॉय को किस पे सिट करा दिया? डंकी पे सिट करा दिया. बट सून दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ मैन, वन ऑफ होम सेड, सी दैट लेजी यंग बॉय, ही लेट्स हिज फादर वॉक व्हाइल ही राइड्स. अब पास में क्या था, गांव में काफ़ी सारे लोग कुछ काम कर रहे थे, तो देखते हैं इतना नौजवान बच्चा खुद तो गधे पे बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चलने को बोल रहा है और पैदल चला रहा है. अब आप सोचो, आप जवान हो, यंग हो, तो आप वो काम कर सकते हो ना, आप पैदल चल सकते हो ना. बट यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, एक नौजवान बच्चा जो खुद दौड़ सकता है वो क्या कर रहा है, डंकी पे बैठा है, जबकि बैठना किसको चाहिए था, उसके फादर को. वेल द मैन डिडंट नो व्हाट टू डू. अभी फार्मर, यहाँ मैन किसको बोला है, वॉशरमैन को, कि उसको नहीं पता चल रहा था कि उसको क्या करना चाहिए. बट एट लास्ट ही टुक हिज बॉय अप बिफोर दे हैड कम टू द टाउन. अब क्या किया उसने, बच्चे को उसने क्या कर दिया, डंकी पे से उतार दिया, क्योंकि लोग ताने मार रहे थे ना उसको बार बार कि क्या इसको बिठा रखा है, खुद इतना बड़ा बच्चा है तो खुद पैदल चल सकता है, इसको डंकी पे बैठना चाहिए. एंड द पासर बाय बिगिन टू जीर एंड पॉइंट एट देम. द मैन स्टॉप एंड आस्क व्हाट दे वर स्कॉफिंग एट. अभी क्या हुआ, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वॉशरमैन को, तो वो उतर के पूछ ही लेता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे बार बार ऐसा बोल के क्या बताना चाह रहे हो, क्या मुझसे पूछना चाह रहे हो. द मैन देन सेट ऑन द डोंकी एंड हिज सन स्टार्ट्स वॉकिंग. अभी लोग उसको बोलते हैं कैसा बेटा है, बार बार उतरने को बोलते हैं, फिर अंत में क्या होता है, बेटा नीचे पैदल चलता है और पिताजी डंकी पर बैठ जाते हैं. But again the passers by talking to each other pointing them that how the stupid people are they who are not using animal in proper way. कहते कैसे बेवकूफ लोग हैं जो जानवर का सही तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं. They both must sit on the donkey instead of making his boy walking in hot sunlight. तो अब वो क्या कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं क्यों ये बच्चे को धूप में चला रहा है, जबकि इनके पास तो गधा है, ये तो दोनों गधे पे बैठ के जा सकते हैं. द बॉय एंड द वॉशरमैन नाउ बोथ सेट ऑन द डंकी. अभी क्या होता है, बेटा चल रहा था, पिताजी बैठे थे, वॉशरमैन. अभी क्या हुआ, लोगों की बातें सुनकर दोनों ही किस पे बैठ गए थे, डंकी के ऊपर बैठ गए थे. अच्छा एक चीज़ आप लोग एज्यूम करो, कोई भी जो चीज़ लिविंग थिंग होती है, जान होती है जिसमें, अगर आप उसको इतना ज़्यादा बर्डन दोगे तो क्या वो ज़िंदा रह पाएगी, बताओ.
चलो आप लोग छोटे छोटे से हो, आप लोग छोटा सा अपना बैग कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी अगर आपको मम्मा 2-3 बैग्स उठाने के लिए दे दे तो क्या आप उसको उठा पाओगे? क्या नहीं उठा पाओगे ना, गिर जाओगे ना। तो डंकी में, डंकी भी तो लिविंग थिंग होता है, उसमें भी तो जान होती है। अगर आप उस पर इतना बर्डन डालोगे तो क्या वो चल पाएगा? क्या नहीं। When they both sat on the donkey was unable to walk due to heavy burden and start making loud voices. Now what happened? अभी क्या था, दोनों जने जो थे ना वो तो डंकी पे बैठ गए थे। अब जब डंकी पे बैठ गए तो जो डंकी था ना वो उन लोगों का बर्डन यानी बाहर जो था उन्होंने की हैवीनेस जो वेट था वो सहन नहीं कर पा रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। आपको सुनना है वो कैसी आवाज़ें निकाल रहा था? ढेंचू। जो डंकी होता है ना वो क्या करता है, ब्रेज करता है। क्या करता है? ब्रेज। और डॉग कौन सी आवाज़ करता है? बाउ वाउ, बार्क करता है। सो क्या हुआ, डंकी ने इतनी ज़ोर ज़ोर से ढेंचू इस तरह की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। बिकॉज डंकी को क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। द पीपल स्टैंडिंग बाय देयर साइड स्टॉप देम एंड टोल्ड देम दैट दे आर नॉट हैविंग एनी शेम। अब आसपास के लोग फिर क्या कहने लग गए उनको, अभी आपने इसमें एक चीज़ देखी है, जो फादर और सन था उसमें से फादर हर किसी की बात सुन रहा था और जैसा वो कह रहे थे वैसा वो चीज़ कर रहा था। बट क्या उसका बार बार उन लोगों को सुनना और वो चीज़ करना क्या सही हो रहा था? तो लोगों ने कहा, कैसे लोग हैं जो एक एनिमल पे दया नहीं करते और उसके ऊपर दोनों बैठ के जा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। द डंकी हु ऑलवेज गेव हिज सर्विसेज विदाउट आर्ग्यूइंग इंस्टेड दिस दे आर डूइंग रॉन्ग डीड टू द डंकी बाय सिटिंग ऑन इट। उसने कहा ये जो डंकी है इनकी इतनी सेवा करता है कि नहीं करता है, इनका इतना ध्यान रखता है, इनको जब भी ज़रूरत होती है वॉशरमैन क्या करता है, अपने कपड़े इसके ऊपर लाद के लेके जाता है। क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, हमारी तरह घरों में पानी नहीं आता है तो इनको वॉशिंग करने के लिए रिवर पे जाना पड़ता है, तो वो कपड़े इतने सारे तो रिवर पे कैसे लेके जाएगा, तो डंकी ही उसकी हेल्प करता था। अब क्या उसने डंकी के बारे में सोचा, डंकी उनका वेट कैसे उठाएगा? Now the washerman and his son get up from the donkey. अब वो दोनों उतर गए and thought to put the donkey on their shoulders. अब उन्होंने क्या बुद्धि लगाया कि अब तो हम क्या करेंगे, डंकी को अपने कंधे पर उठा के लेके जाएंगे। By tying the donkey's feet with a pole. उन्होंने क्या किया, डंकी का जो फीट था एक पोल। यहाँ पे पोल क्या होगा, गांव में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी जो शाखाएँ ब्रांचेस होती है ना बहुत मोटी मोटी होती हैं, उसको काट लेते हैं। So they cut a thick यानी मोटा tree branch and tied the donkey's feet to it. उन्होंने क्या किया, ऐसा मोटा सा tree का branch काट लिया और उस पर donkey के feet को tie कर दिया। Again all the villagers were laughing on their stupidity. अभी क्या हुआ, आप लोगों को भी हंसी आएगी ना, देखेंगे क्या कर रहे हैं फादर एंड सन, क्या कर रहे हैं, डंकी को किस पे उन्होंने लटका दिया है उल्टा करके पोल पे, तो सब लोग हंसेंगे ही ना। His son said to his father, "Is it necessary to listen to everyone?" Father told him to be quiet. तो बच्चे ने पिताजी से बोला, क्या पिताजी ज़रूरी है कि हमें हर किसी की बात सुनकर जैसा वो कह रहे हैं वैसा काम करना चाहिए? तो पापा ने, उसके जो डैडी थे उनके जो फादर थे वॉशरमैन थे, उनको वॉशरमैन ने अपने बेटे को चुप करा दिया। अब हर एक स्टोरी का एंड होता है ना, कुछ एंडिंग्स हैप्पी एंडिंग्स होते हैं, कुछ एंडिंग्स सैड एंडिंग्स होते हैं, और कुछ एंडिंग्स जब हम खुद अपनी स्टूपिडिटी करते हैं उसके कारण वो एंड ख़राब होते हैं। सो एट द एंड व्हेन दे बोथ वर क्रॉसिंग द ब्रिज द डंकी ट्राइड टू अनटाइड हिज फीट एंड द बैलेंस ऑफ बोथ फादर एंड सन गॉट डिसबैलेंस्ड ड्यू टू दिस दे फेल डाउन इन द डंकी फेल डाउन इन द रिवर अंडर द ब्रिज द फादर गॉट इन टू टीयर्स एज ड्यू टू हिज फुलिश थॉट ही लॉस्ट हिज डंकी। अभी क्या होता है, जो डंकी होता है ना, अब क्या होता है वो इतना देर उल्टा बंधा हुआ रहता है, तो फिर जब वो लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं एक मतलब उनको मार्केट जाने के लिए विलेज से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या होता है ब्रिज क्रॉस करके मार्केट आता था,
तो जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो क्या हुआ, डंकी झटपटाया, झटपटाने के कारण उसके जो पैर खुल गए, उनका बैलेंस डगमगाया फादर और सन का, और जो डंकी था छूट के कहाँ पे गिर गया, नीचे क्या था, ब्रिज के नीचे क्या था, रिवर था, उसमें गिर गया और डंकी ड्रोन हो गया यानी डूब गया। अब मुझे बताओ इसमें किसका लॉस हुआ, वॉशरमैन का। ना तो बेटा उस पर बैठता, ना पिताजी उस पर बैठते, ना दोनों उस पर बैठते, ना इनको कंधे पे लटकाना पड़ता। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्होंने हर किसी की बात सुनी जबकि इनको खुद की सोच समझ यूज़ करनी चाहिए थी। दे मस्ट हैव यूज़ देयर ओन इंटेलिजेंस। अगर वो दोनों एक साथ नहीं चलते, है ना, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, तीनों भी तो पैदल चल के मार्केट तक जा ही सकते थे ना, और मार्केट से बहुत सारा सामान डंकी अपने ऊपर लोड करके लेके आता, बट उन्होंने अपना ये दिमाग चलाया ही नहीं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इफ़ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन एंड यू विल प्लीज नन। अगर आप सोचो कि मैं इसको भी खुश रख लूँ, मैं उसकी बात मान लूँगा तो भी खुश हो जाऊँगा, अगर मैं उसकी बात मानूँगा तो भी वो खुश हो जाएगा, अगर आप ऐसे सबके लिए सोचते रहे करते रहे तो आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे, आप खुद ही फुलिश कहलाओगे। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसलिए मैम ने सारे डेज के विश आपको कर दिए। ओके, टेक केयर, ध्यान रखना।